आता है और यहाँ से राइट टर्न लेता है ये रोड से। नहीं यहाँ तो आ गया था एक बार, अभी पीछे आए थे ना बंदो, एक मिनट पहले आए थे ऊपर ही। और हम भी अभी किसी इमरजेंसी काम से नीचे गए थे, देखो हमारे पास ये भी है, टॉर्च भी है आपके पास भी, हमारे पास भी है, इसका भरोसा नहीं है हमको, इसका नहीं है, ये छोड़ के भागना पड़ सकता है। मैं एक बार भाग रखा हूँ, मैं यहाँ से यूं टर्न लिया ऊपर को, वो ऊपर से आ रहा था नीचे को, और जब वो अगर इधर से आ रहा है तो समझ लो कि रास्ता हमको ही बदलना पड़ेगा, वो तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ के भागना पड़ेगा, तभी हम साथ में टॉर्च भी रखते हैं, इसका भरोसा नहीं रखते हम गाड़ी का। सही बात है। तो आप लोग यहाँ पे कैंप लगा के रह रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसी का डर है, तेंदुए का ये बस लैपट का ही, लैपट का तो और कोई। और आजकल क्या होता है, ये बच्चे होते हैं साथ में, तेंदुए तो ज्यादा खतरनाक, अगर इसने ऐसी आवाज कर दी, ऐसी तो कर रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी तो कर रहा था, ऐसी आवाज में रास्ता छोड़ दो, और इसने बिल्ली की जैसी आवाज निकाल दी, समझ लो इसके साथ बच्चे। अच्छा, तो उस दिन यही तो करी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर बिल्ली की जैसी आवाज इसने निकाल दी तो इसके साथ बच्चे होते हैं, और ये फिर किसी को छोड़ता नहीं उस टाइम। आप लोग जहाँ पे हो कोई दिक्कत नहीं है, जगह सेफ है, बट थोड़ा आपको भी सेफ के साथ रहना पड़ेगा, लाइट बहुत जरूरी है। आप कहाँ से, दिल्ली से आ रखे ना? हाँ, मैं नोएडा से, भाई दिल्ली से, बिजनौर से। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, पानी भर दिया अपने लिए। अगर खाना खाना तो चलो सर, हमारा नहीं भाई, आपने इतने कहते बहुत है, खा लिया खाना, थैंक यू। कमजोर है भाई, खाना खिलाओ पहले। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, डंडा 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 खा लो, लाइट लाइट मार, लाइट। ओहो यार, ये तो ओवर कर दिया यार, ये तो कढ़ाई भर गई पूरी। बंदे लेटे हुए, तो जैसे लेटे हुए एक घंटे से, तो ऐसे ही आराम से लेटे हुए, और ये देखो भाई, ये भाई हमारे बैठा भी है, बहुत डर भाई, मैं नहीं करूँगा कैंपिंग आज के बाद, फर्स्ट भाई की, भाई की फर्स्ट कैंपिंग है यार, जान जान जोखिम में डालने वाली बात है भाई, पूरी यार हाल है। तो आराम से भाई लेटे हुए हैं, देखो ओहो, मिली गई फाइनल लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली लोकेशन मिल गई है, और इस लोकेशन पे ही हम अपना टेंट पिच करने वाले हैं आज, तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी रात होने वाली है। चलो आर्यन भाई निकालो। तो दोस्तों लोकेशन मिल गया, लोकेशन भाई आपको दिखाएंगे, इतनी जबरदस्त लोकेशन है भाई, अल्टीमेट वाली। और वेदर की बात बताऊं भाई, रात भर बारिश भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, मौसम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, करते भाई अपना टेंट पिच। चलो पहले टेंट लगाओ। भाई साहब टेंट काफी बड़ा है भाई, फर्स्ट टाइम रिवील हो रहा है आपके सामने, पहली बार ही खुला है ये। 3+ पर्सन का टेंट है, और इसमें हम तीनों आज सोने वाले हैं।
निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों टेंट पिच हो चुका है, बस कील लगानी बाकी है, हुक लगा देते हैं इसमें ताकि ये पक्का हो जाए। कील आठ होने तो दोस्तों अपना भाई टेंट पिच हो चुका है, जैसे कि मौसम भी काफी खराब हो रहा है, अभी सामान होगा हम पैक करके इस टेंट में रख देंगे अपना। और बता दो भाई एक और ग्रुप हमारा आ चुका है यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये भाई मनिंदर सिंह सोलो आगे आपके भाई, और भाई ये भी अपना टेंट इधर पिच कर रहे हैं, अभी अभी आए हैं ये भी, और करते भाई आज ग्रुप कैंपिंग। तकड़ी वाली होने वाले भाई आज, जो लोकेशन है भाई खतरनाक वाली है, ठीक है। और ये एक बात और बता दूं, यही रास्ता भाई लेपर्ड से होता हुआ निकलता है, लेपर्ड यहीं से निकलता है, आज लेपर्ड को ही देखना है, इसलिए अच्छी खासी टीम लेके आए भाई लेपर्ड को दिखाने के लिए। भाई लेपर्ड देखना है आपको, पिछली बार अकेले आ गए थे दोनों भाई, अब लेपर्ड आ गया था इनके टेंट के पास, तो इन्होंने कहा कि भाई लोग आज लेपर्ड को हम शूट करके रहेंगे, तो गाइस बने रहना हमारी वीडियो पे, आज लेपर्ड को हम वीडियो शूट करके जरूर दिखाएंगे। अगर आया ना तो भाई डेफिनेटली उसके पास ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मौका बताएगा कि कौन सा टेंट के अंदर सबसे पहले होगा और ये भी मौका बताएगा भागता कौन है सबसे पहले। तो करते भाई पहले टेंट पिच, चलो फटाफट करो यार। सेट हो चुका है भाई, देखो ये रस्ता सामने सनसेट होने वाला है। तो टेंट सेटअप होने के बाद में भाई अब हमारी बॉनफायर की तैयारी, तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है अगर सर्वाइव करना है तो बॉनफायर करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, नहीं तो तेंदुआ तो बॉनफायर खाना खाए ना खाए तेंदुआ हमें खा जाएगा, ठीक है हमने वाला बन जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ भाई बॉनफायर के लिए लकड़ी कलेक्ट करने, और भाई जरा भाई पानी अरेंज करने, और भाई करता है यहाँ पे जो थोड़ा बहुत थोड़ी साफ सफाई, साफ सफाई जो भी है अपना वो करने। तो भाई निकलते लकड़ी लेने, भाई हमें ये चीज के ये मिले फूल, ये बहुत काम आते हैं आग जलाने के, इनसे बहुत जल्दी आग लगती है, तो इनको लेके चलते हैं। और भी लकड़ियां हैं तो वो भी कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी बहुत लकड़ियां मिली हैं, और थोड़ी बहुत लकड़ियां और सर्चिंग करके लाते भाई ढूंढ के, लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, कुछ चीड़ के पेड़ के फूल भी जो जल्दी से आग लगते हैं, और थोड़ी सी लकड़ियां कलेक्ट करते हैं ताकि अच्छे से बॉन फायर हो सके। तो भाई मनिंदर भाई गए है लकड़ी लेने, वो देखे जंगल में, देखो वो जा रहे नीचे, वो देखो कहाँ रह गए, ओ वो रे, वो देखो ये जा रहे, तो नीचे बिल्कुल नीचे लकड़ी पड़ा हुआ है मोटा वाला लकड़, तो जूम से अगर आपको दिखता है तो ये देखो यहाँ पे। तो भाई गई है लेने के लिए, लकड़ी अभी आ चुकी है, पानी भी आ चुका है, और डिनर बनने वाला है, अब बस ज्यादा देर नहीं करेंगे, डिनर में भी टाइम लग जाता है। आज हमारा हो चुका है और अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा है, और अभी हमारा कुछ बनना नहीं है, तो बनाने वाले हैं चिकन, तो पहले करते भाई चिकन को, और आप जानते हो कि चिकन बनेगा तो फिर तो रात को तेंदुआ आना ही आना है क्योंकि चिकन की भाई मैच सुन के बहुत जल्दी तेंदुआ आता है, मोस्टली आपने वीडियो में भी देखा होगा, और आज भाई उसको अप्लाई भी करने वाले हैं, क्योंकि मेरा तो भाई कैंपिंग की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं चिकन बनाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए डिनर बनाते हैं फटाफट, और भाई पहले धो लेते भाई चिकन अपना, थोड़ा सा नमक और नींबू वगैरह पहले डाल दिया था ताकि अच्छे से साफ हो जाए, देखो कितना अच्छा साफ हुआ है, ये लेग पीस है बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गया है, ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा, ज्यादा स्पाइसी हम खाते नहीं है, हल्दी सब गई, हल्दी हल्दी फर्स्ट टाइम भाई मैगनेट मिलाते रहेंगे ताकि और अब डाल रहे हैं इसे मैगनेट हो जाए, धनिया पाउडर। तो भाई चिकन अपना रख दिया भाई मैगनेट करके साइड में, ताकि आधे एक घंटे बाद थोड़ा सा अच्छा मसाले पकड़ ले, और इसके पहले करते भाई हम अपने चावल, तो चावल बनाते भाई पहले। तो भाई भाई कर रहा है यहाँ पे तवा चिकन वाला, देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई करेगा, अब कर रहा है इसमें कट पीस मार रहा है अच्छे से, स्लाइस बना रहे हैं हम, स्लाइस बना रहे हैं भाई हमारे मनिंदर भाई आता है, और यहाँ से राइट टर्न लेता है ये रोड से, नहीं यहाँ तो आ गया था एक बार अभी पीछे आए थे ना, ऊपर ही, और हम भी अभी किसी इमरजेंसी काम से नीचे गए थे, देखो हमारे पास ये भी है टॉर्च भी, आपके पास भी, हमारे पास भी है। इसका भरोसा नहीं है हमको, इसका नहीं है, ये छोड़ के भागना पड़ सकता है। मैं एक बार भाग रखा हूँ, मैं यहाँ से यूं टल लिया ऊपर को, वो ऊपर से आ रहा था नीचे को, और जब वो अगर इधर से आ रहा है तो समझ लो कि रास्ता हमको ही बदलना पड़ेगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा,
इसको छोड़ के भागना पड़ेगा, तभी हम साथ में टॉर्च भी रखते है। इसका भरोसा नहीं रखते हम गाड़ी का। सही बात है। तो आप लोग यहाँ पे कैंप लगा के रह रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसी का डर है। आजकल क्या होता है, ये दिसंबर का महीना होता है तो इनके बच्चे होते हैं साथ में, तेंदुआ तो ज्यादा खतरनाक। अगर इसने ऐसी आवाज कर दी, ऐसी तो कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी तो कर रहा था, ऐसी आवाज में रास्ता छोड़ दो, और इसने बिल्ली की जैसी आवाज निकाल दी तो समझ लो इसके साथ बच्चे। अच्छा, तो उस दिन यही तो कर रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर बिल्ली की जैसी आवाज इसने निकाल दी तो इसके साथ बच्चे होते हैं, और ये फिर किसी को छोड़ता नहीं उस टाइम। आप लोग जहाँ पे हो कोई दिक्कत नहीं है, जगह सेफ है, बट थोड़ा आपको भी सेफ के साथ रहना पड़ेगा। लाइट बहुत जरूरी है। हाँ, लाइट बिल्कुल जरूरी है। आप कहाँ से? दिल्ली से आ रखे ना? हाँ, मैं नोएडा से, भाई दिल्ली से, बिजनौर से। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, बिल्कुल आके अब पानी भर दिया अपने लिए। अगर खाना खाना तो चलो सर, हमारा होटल नहीं भाई, आपने इतने कह दिया बहुत है, खा लिया खाना। थैंक यू। बस आप करो शॉपिंग, मैं रखता हूँ निगरानी थोड़ी सी, मैं जंगल देख के आता हूँ। ठीक है भाईयो, ऐसा ना कि सारे कर रहे हैं कुकिंग और शॉपिंग वगैरह, तो एटलीस्ट एक दो बंदों को जंगल देख के आना चाहिए, कोई आसपास में आते, क्योंकि रात हो चुकी है, लेपर्ड का खतरा बना हुआ है, लेपर्ड कभी भी आ सकता है। अभी एक नॉर्मली यहाँ से गांव वाले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही एक लड़की को लेपर्ड लेके गया यहाँ से। तो गाइस हमें लेपर्ड का शिकार नहीं बनना, तो चेक करके आते एक बार। दोस्तों आज चॉपिंग हम आपको नए तरीके से दिखाएंगे, आप ये देखिए प्याज कट रहा है, और वो भी फोकस लाइट में। आज चौपड़ दो अपने चावल पानी से बॉइल करके पानी निकाल दिया, और यहाँ पे कर दिया हमने अपना पानी बॉइल। कमजोर है भाई, खाना खिलाओ पहले। तो भाई ग्रुप कैंप में रियली में इतना मजा आ रहा है ना भाई, बिंदास। इधर अपनी चिकन तवा चिकन हो रही है, इधर अपना चिकन मैरिनेट हो चुका है, उधर हमारे चावल बन रहे हैं, और सब मिलजुल के जो काम करें ना भाई, मजा आ रहा है। इसमें फुल वाला भाई अपना, इधर भाई सारा ग्रुप का काम चल रहा है, और एक बार इधर साइड सब जगह भाई टॉर्च मार लेते हैं, अगर कोई जानवर वानवर है तो वो इधर उधर निकल जाएगा, जैसे टॉर्च पड़ेगी तो इधर उधर चला जाएगा। भाई ये अपना चिकन, तवा चिकन, तो टेस्ट करते भाई ने कैसा तवा चिकन बनाया है। हरी मिर्च तो मैंने देखी फुल, इसमें भी है मेरे, उसमें भी है भाई, मुझे ये ना बता पक गया आपको। भाई लुक अल्टीमेट, हम बना रहे हैं चिकन ग्रेवी, मसाले डल चुके हैं, और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, ये चॉप किए हुए सारे प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे। दोस्तों सबसे मेन ग्रेवी बनाने में क्या होता है कि जो प्याज होते हैं ना चॉप किए हुए, उनको अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है प्याज भूनने में। और धनिया पाउडर डालने के बाद भी हम थोड़ा सा स्टर करेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए, और मसाले सारे आपस में मिक्स हो जाए। बन रही है अपनी चिकन ग्रेवी, और चिकन इधर रखा है, क्या बेहतरीन लुक आ रहा है भाई, एक नंबर मस्त, जल बहुत बढ़िया बुलटना आ रही है। यही आएगा आज चिकन इतना बन रहा है, तेंदुआ यही आना है। और देखे भाई ये है अपनी बॉनफायर, क्या बेहतरीन, और ये देखे भाई क्या लुक आ रहा है भाई, चलाओ चलाओ, ये देखो क्या बात है। और इधर अपना भाई चिकन, और ये देखो भाई, तो ये देखे भाई अदरक के लच्छे बना के क्या बेहतरीन लग रहे, भाई ने काट कर डाले है, ये देखो भाई, ये आ गया भाई चिकन। देखो ये तो सबका फेवरेट होगा आई थिंक, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस जिसका फेवरेट है ना वो कमेंट में जरूर बताए किस किस का फेवरेट है। भाई मेरे तो फेवरेट है, तो सबसे पहले लेग पीस इनको आने दो पहले, यार ये तो कढ़ाई भर गई पूरी, मजा ही आएगा भाइयों को, भूखा तो ना रखेंगे हम, ये क्या होगा रात को,
अब हम मजा आएगा चिकन लेपर्ड आएगा साला यही लेपर्ड लेपर्ड को तो देख ले लेपर्ड तो यहाँ पे हम सारी से सही बताऊं भाई लेपर्ड के लिए ही इतनी बड़ी ग्रुप कैंपिंग की गई है आज उसी को देखना है रियली बताऊं लास्ट टाइम इसके अंदर प्रोटीन ना हमें वो इसी में ही चाहिए बाहर ना चाहिए वो हाँ तो इसी में मिलेगा नहीं मसाले मसाले का जो सीधी सी बात है मसाले का जो टेस्ट है ना वो अंदर तब जाएगा जब धीमी आंच में पकेगा बस 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 ले भाई ने ये भर दिया ले ये भाई हमारी कढ़ाई भर गई भाई पीस क्या बात है दोस्तों भाई हमारा चिकन कम्प्लीट है पांच मिनट के लिए हल्की आंच पे रखना है हमारा चिकन बनकर तैयार फिर खाने की तैयारी करते हैं टाइम की बात करो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है भाई और इधर से बहुत ज्यादा जो पीछे साइड में जंगल है भाई खतरनाक आवाज आ रही है और जैसे कि लेपर्ड की बात भाई आज तो उसको देखना ही है 12 बजे तक यहीं रुकना है ऐसे जैसे है खाना है बाहर भी खाना है अंदर नहीं जाना है भाई ढक दो पकन दो नहीं पकने दुनिया में ढकन दो हरे धनिया डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया क्या बात है भाई ये देखो चिकन डालने के बाद सब भाइयों को सर्व करते हैं एक लेग पीस तो मेरा पहले अब मजा आएगा खा के मजा आएगा चार है भाई चार है डोंट वरी बेटे चार है भाई साहब चार 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 है एक नंबर तो पहले करेंगे हम तो ट्राई भाई ये जूसी जूसी वाला फेवरेट फेवरेट खत्म तो कोई दिक्कत ना अल्टीमेट भाई मजा आ गया पहले खा लो दूर भाई भाई लेपर्ड के पीछे भाई अभी अभी लाइट वेट चुप 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 टॉर्च दे जल्दी इधर से यार ये आवाज पीछे से पीछे टॉर्च तो गाइस आवाज इधर से आ रही है दोस्तों अभी जो लेपर्ड की आवाज आई थी भाई पीछे से आई है क्योंकि मैंने बताया था जैसे पीछे पूरा फॉरेस्ट है जंगल ये देखो भाई इधर साइड से वो देख 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 वो देख आगे चमक रही देख देख वो गई वो गई भाई ओ गए गए पूरे पूरे इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ भाई पीछे 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 हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ मैं चला बैल तब भी इधर छोटा डंडा 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 भाई उठा ले पीछे लाइक लाइक मार लाइक भाई टेंट में चलो जल्दी खा के फटाफट चलो बस बस भाई जल्दी खाओ गया उधर गया ठीक है बस आ जाओ खाना खाओ जल्दी चलो भाई वो जस्ट अभी अभी आवाज सुनाई दी सब चौंक गए नाक भाई भाई अल्टीमेट पता नहीं कैमरे में कैद हुई नहीं हुई और मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे किसी ने रोर जैसे दहाड़ता है ना लैपर्ड सीरियसली माय गॉड मेरे देखो रोम रोम खड़ा हो गया मेरे खड़े हो रहे बाल खड़े हो गए रोंगटे पूरे पूरे रॉन्ग टेकड़े खराब हो गए भाई सही में रियली में लेकिन भाई सारे भाई जो ना लट रहे हो भाई अपने पास में भाई देखो सबने हथियार रख रखे भाई अपने अपने पास तो अपना तो डिनर हो चुका है तो दोस्तों अभी अभी रोर बिल्कुल दहाड़ की आवाज सुनाई दी लेपर्ड की और सब हम लोग भगे और एकदम से डर गए थे और पीछे इवन मतलब दो आंखें होती ना जैसे चमकती हैं कोई रेडियम लाइट ऐसे दो आंखें भी चमक रही थी और वो सडनली जब हम चिल्लाए ना बहुत जोर जोर से तो वो भाग गया तो पता नहीं अब वो क्या था लेपर्ड था लेकिन आवाज वो लेपर्ड की थी उससे पहले भी शाम को एक बार लेपर्ड की आवाज आई थी तो गाइस हमने अभी भी अपने अपने हथियार पकड़ रखे हैं और जल्दी से खाना फिनिश करते हैं और चलते टेंट के अंदर फिर वहां आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि अब हमें लग रहा है डर यहाँ पे तो गाइस अब निकलते खाना खा के टेंट में तो दोस्तों भाई चिकन पीस अपना यहाँ डाल दिया हमने सुबह देखते हैं ये रहता है या नहीं रहता ये देखिए तो यहाँ पे डाल दिया और खाना पीना अपना हो चुका है भाई सारा और बारिश पड़ने लगी है तेजी से तो सीधा सीधा अंदर टेंट में चलते हैं ये भाई भी टेंट में चले गए ये देखिए भाई बारिश पड़ रही है तेज सोने से पहले बिल्कुल भाई क्योंकि एक बार चेक कर लेना तो बेस्ट है बेस्ट है कुछ होगा तो लाइट की टॉर्च से वो इधर उधर होगा तो वो भाई निकल जाएगा जैसे कि भाई जब खाना खा रहे थे ना उस टाइम आया था भाई तो फटी गई थी भाई भाई फटगी मेरी तो फटगी भाई इसमें कोई शक ना मैं तो बिल्कुल फट गई थी चलिए इधर नहीं आ रहे ये देख रहे हो घना जंगल है पूरा देखो भाई क्या बात है ये अपने टेंट
आग हमने तेज कर दी है, जो लकड़ी थी बोन फायर हमने तेज कर दी है ताकि कोई भी जानवर पास ना आके। तो भाई जल्दी से पैकअप करते हैं और टेंट में चलते हैं। चलते हैं भाई, बिल्कुल। खाना पीना हो गया भाई, बारिश पड़ने लगी थी तो अंदर चले गए टेंट में और बारिश बंद हो गई है, तो एक बार भाई सब जगह चेक भी कर लिया है, क्योंकि अगर कहीं घात लगाए बैठो ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे लेपर्ड आया था। बट हमने जो भी सामान था भाई सारा दूर रख दिया है, अपने बर्तन यहाँ भी रख दिए भाई, जिसमें चिकन खाया था इधर हमने पीस डाले थे, और चलते भाई टेंट में। और यहाँ पे अपनी भाई देखो बोन फायर क्या बेहतरीन हो रही है भाई, ये देखो सोने की चलिए तैयारी। और अपने भाई भी ये रहे, और दूसरे भाई जो वो अपने दूसरे टेंट में सो रहे भाई, तो सोते भाई फिर मिलेंगे सुबह। और रियल बताऊं भाई चौकस होकर सो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि पहले भी तेंदुआ की आवाज आई थी, सामान तो दिखा दो बिल्कुल अंदर। और हमारे पास देखो भाई हथियार वथियार सब है, देखो ये देख रहे हो डंडा सारा हथियार है भाई, सब कुछ यहाँ पे अपने पास में। वो एम्बुस क्या कह रहे हैं, ये देखो चक्कू वक्कू सब लेकर सो रहे अपने हथियार अंदर की साइड में, तो देखी जाएगी क्या होता है भाई। मिलते हैं सुबह, अगर जिंदे रहे तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं बचे तो फिर तो कोई बात नहीं है, वीडियो मिलने की नहीं है। अगर वीडियो मिल गई तो समझ लो भाई, भाई जिंदे तो मिले हम। बड़ा कह रहे थे एक दहाड़ दो दहाड़ आई उसमें तुम्हारी फट रही है भाई, मेरी तो रियल बताऊं भाई मेरी तो फट गई थी भाई दो दहाड़ में बस। वैसे तो तुम कह रहे थे मैं लेपर्ड का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे भाई जब सामने आ जाए तो गुस्ते ही, जब नहीं है तो भाई सीधी सी बात है फिर तो अपनी सेफ्टी है ना, सीधी सी बात है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। वाह क्या तो मिल गए। तो दोस्तों रात के भाई 2 बज गए, 2:15 का टाइम हो रहा है, और पीछे से लेपर्ड की कम से कम आधे एक घंटे से बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आ रही है भाई, फटी पड़ी है सभी की। बराबर में जो दूसरे हमारे कैंप पर भाई लेटे हुए हैं उनकी भी हालत ख़राब है इस टाइम पे, वो भी उसे बोल रहे भाई फोन पर कि हमने शांत रहो बिल्कुल चुप, जब कुछ अटैक रहे तब निकलेंगे, कुछ होगा सीन। अंदर लेटे हुए तो जैसे लेटे हुए एक घंटे से तो ऐसे ही आराम से लेटे हुए, और ये देखो भाई ये भाई हमारा बैठा भाई, बहुत डर भाई, मैं नहीं करूँगा कैंपिंग आज के बाद, फर्स्ट भाई की यार, भाई की फर्स्ट कैंपिंग है यार, जान जान जोखिम में डालने वाली बात है भाई पूरी यार, हाल है। तो आराम से भाई लेटे हुए हैं, देखो देखो कितनी तेज गुजार रहा भाई, हालत खराब है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। एक घंटे से बैठे थे कि चलो ठीक है चला जाएगा, बट अभी भी वो गया नहीं है, क्योंकि हमने जो चिकन बनाया था ना भाई उसकी महक से वो आया है अब, क्योंकि अभी इतनी तेज बारिश हो रही है ना काफी तेज। ये देखो हमारा टैंक भी गीला हो गया पूरा। तो भाई आराम से बैठते चुप, अगर कुछ सीन क्रिएट होता है तो वो आपको बताएंगे, जिंदा रहे तो भाई वीडियो अपलोड हो जाएगी, नहीं रहा तो भाई जय सियाराम। तो गुड मॉर्निंग गाइस, भाई मॉर्निंग हो चुकी है, और जो भाई व्यू आ रहा है ना अल्टीमेट वाला है, और रात की भाई बता ही दी थी आपको, नींद तो ऐसी आई थी पूरी रात नहीं सो पाए, लेपर्ड बैक साइड में ये लगा लो आधे घंटे खूब अच्छे से बढ़िया वाला भाई, हम तो फिर भी सो लिए भाई, हमारे भाई की तो ऐसी फट रही थी। मैं तो भाई बिल्कुल फट रही थी भाई, मैं तो लिख के दे रहा हूँ फट रही थी मेरी तो, कोई नहीं भाई ग्रुप कैंपिंग ही तो डर तो था बट इतना नहीं था, हाँ मतलब 6 लोग थे हम लोग, हाँ। तो इतना हमें डर नहीं लगा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब धाड़ा था ना भाई, जब आंखें खुली थी ना उस जिस टाइम धाड़ा था बैक साइड से फट गई थी रियली में। और सब भी भाई उठ चुके, वो भाई भी उठ चुके, वो तो भाई फ्रेश होने चले गए हैं, और आपको दिखाते हैं भाई मॉर्निंग व्यू। और उसके बाद भाई बारिश हल्की हल्की रिमझिम पड़ रही है अभी सुबह से भाई, अल्टीमेट व्यू आ रहा है, तो आपको दिखाता हूँ भाई व्यू, और व्यू दिखाने के बाद में बनाते भाई चाय या कॉफी। और क्या अल्टीमेट, उधर भाई देखो बादल ये नीचे, और ये देखो भाई साफ अल्टीमेट वाला, और इधर भी देखो भाई साहब पूरा जंगल है भाई, ये देखो बेहतरीन। दोस्तों कॉफी बन रही है भाई अपनी, और पियेंगे भाई अपने
बेहतरीन इस व्यू के साथ में, और हम दो भाई पीने वाले कॉफी, और भाई के लिए बनेगी भाई चाय। तो ये डल चुके भाई अपनी कॉफी पाउडर। तो दोस्तों कॉफी बन चुके भाई, अपने अपने ग्लास में डालते हैं और भाई एंजॉय करते हैं इस बीटर को। और अब बारिश भी चालू हो चुकी है भाई, तो ये देखो भाई अपनी कॉफी एंजॉय। मुझे लगा आज तो गए ये भाई, वो तो दोपहर जगा ही जब कहीं नहीं तुम कर रहे हो कौन कर रहे हो। तो दोस्तों भाई कॉफ़ी पीते हैं चार भाई मिलके, और इस वीडियो को करते हैं भाई यहीं पे एंड। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भाइयों के साथ जो ग्रुप कैंपिंग हुई थी भाई, अल्टीमेट हुई थी, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा लोग थे, 6 थे, तो अल्टीमेट मज़ा आया रात में भी। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भाई लोग में अगली कैंपिंग वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो दोस्तों सारा भाई डस्ट जितना भी कूड़ा पड़ा था सारा उठा लिया, अपने इस डस्टबिन पॉलिथीन में डाल लिया है, और भाई ये डालेंगे कहीं डस्टबिन में। तब तक के लिए भाई चलते हैं यहाँ से, सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है, टेंट रहे, टेंट अपने बैग पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी भाई आप कैंपिंग करें कुछ करें तो भाई कूड़ा अपना साथ लेके जाए। तो जय हिंद दोस्तों।